Hi guys, welcome to Parish at a Glance Institute. And guys, from your love and support, now we are connected with Unacademy. And guys, now you can get the complete video of measurement course with previous year gate question on Unacademy learning app, where I will upload video before YouTube. For that, you need to click on this link and follow me there. And guys, I have already told you that there is two benefit on watching the lecture on Unacademy learning app. One is there is no any ad, and second one is you can download the notes in PDF format. For that, you have to watch the lecture on Unacademy learning app and complete the daily goal of at least 10 minutes. Okay, so that you get 10 coins in your profile, and by using that coins, you can download the notes of any lecture in PDF format. Okay, so let's start this lecture. तो आज हम फिर से error analysis की ही कुछ problem को solve करेंगे. So in first problem, we have been given the total current I, which is measured using KCL, I is equal to I1 plus I2. Okay. And I1 is given as 150 plus or minus 1, and I2 is given as 250 plus or minus 2. And one thing which is noticeable here, the error which is given, it is in the form of standard deviation. Okay. तो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देने की है कि जो यहाँ पे लिमिटिंग एरर दी गई है वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में दे रखी है. यहाँ पे जो ये 1 एम्पियर और जो 2 एम्पियर जो ये लिमिटिंग एरर गिवन है, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में है. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें टोटल एरर फाइंड आउट करनी है, किसमें, करंट आई के अंदर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको दोनों ही करंट दे रखी है, एरर गिवन है, और आपको टोटल करंट के अंदर एरर कितनी है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. ओके, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको ये एरर गिवन है प्लस और माइनस वन एंड प्लस और माइनस टू, ये दोनों ही एरर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में गिवन है, ना कि एब्सोल्यूट एरर के टर्म में. तो यहाँ पे आप इन दोनों ही एरर को डायरेक्टली एड नहीं कर सकते, जैसे कि आपने सम ऑफ क्वांटिटीज और डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज के केस में पढ़ा था कि वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां पे अगर दो क्वांटिटीज का सम हो रहा है या दो क्वांटिटीज का डिफरेंस हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि वहां उनकी एब्सोल्यूट एरर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं. लेकिन यहां क्वेश्चन में मेंशन है कि यहां पे जो एरर गिवन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में गिवन है, तो यहां पे हम डायरेक्टली एरर को ऐड नहीं कर सकते टोटल एरर निकालने के लिए. ओके, तो आपको यहां पे क्या करना है, जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बड़ा सारा अंडर रूट वाला, उस फॉर्मूले को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. ओके, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए. सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो यहाँ पर आपको जो टोटल करंट गिवन है वो है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू. तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जो ये करंट आई है इसे आप एक फंक्शन मानिए, और ये देखिए कि जो ये फंक्शन है ये दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, और वो दो वेरिएबल हैं आई वन और आई टू के ऊपर, ठीक है. और ये दो वेरिएबल आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं कि ये दोनों वेरिएबल आपस में ऐड हो रहे हैं. ओके, दैट मीन्स दिस इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल विच इज डिपेंडिंग ऑन आई वन एंड आई टू, ठीक है. ये एक फंक्शन है दो वेरिएबल का जो कि I1 और I2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये कैसी भी हो सकती है, मे बी यहाँ पे पावर की इक्वेशन हो सकती है, मे बी यहाँ पे KVL इक्वेशन हो सकती है, या पैरेलल में जो रेसिस्टेंस होती हैं उनका R इक्विवेलेंट की इक्वेशन हो सकती है. तो यहाँ पे कैसे भी इक्वेशन हो सकती है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन है ये कितने वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे जो हमारा जो ये फंक्शन है आई, ये दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है आई वन और आई टू के ऊपर, ठीक है. इससे हमें यह पता लग जाएगा कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन इनके लिए निकालेंगे, टोटल जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तब जो वहां पे जो हमारी जो टर्म्स हैं वो दो तक जाएंगे, ठीक है, वो दो टर्म तक आगे तक वो डिफरेंशिएशन होगा उसका, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट डेल आई बाय आई वन होल स्क्वायर सिग्मा आई वन स्क्वायर प्लस डेल आई बाय आई टू होल स्क्वायर सिग्मा आई टू स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस डेल आई बाय आई वन और इस डेल आई बाय आई टू
की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले आई वन के रिस्पेक्ट में, बाद में आई टू के रिस्पेक्ट में। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को हम सबसे पहले आई वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो अगर आप इस इक्वेशन को आई वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आई वन का डिफरेंशिएशन आई वन के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, वन, और आई वन और आई टू का डिफरेंशिएशन आई वन के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि I1 के रिस्पेक्ट में I2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे डेल I बाय I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। ओके, सिमिलरली डेल I बाय I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस डेल I बाय I1 और डेल I बाय I2 की जो वैल्यू है इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट सिग्मा I1 स्क्वायर प्लस सिग्मा I2 स्क्वायर। और हमें पता है कि जो सिग्मा आई वन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई वन, एंड सिग्मा आई टू है स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई टू। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई वन कितना है, वन एम्पियर, और स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई टू क्या गिवन है, टू एम्पियर। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें फाइनल जो करंट होगी उसमें हमें टोटल एरर मिल जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.24। सो हियर 2.24 इज द टोटल एरर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन करंट आई। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है टोटल करंट आई। तो यहाँ पे जो ये करंट आई वन है वो कितनी है, 150, और जो करंट आई टू है वो कितनी है, 250। ओके, तो हम क्या करते हैं इन दोनों करंट को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं बिकॉज दीज आर द ट्रू वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट आई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 250 कितना आ जाएगा, 400 एम्पियर। देन आई विल बी इक्वल टू 400 प्लस और माइनस 2.24। ओके, तो यहाँ पे जो ये 2.24 है ये टोटल एरर है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी एरर स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में गिवन हो तो हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक वोल्ट मीटर है 0 to 200 वोल्ट, और उसकी क्या गिवन है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या गिवन है, 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। ओके, और साथ में गिवन है द वोल्टेज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज 50 वोल्ट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द लिमिटिंग एरर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली वो जो लिमिटिंग एरर वाला मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ओके, तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो हमें क्या गिवन है कि हमें गिवन है गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या गिवन है, 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है, और फुल स्केल रीडिंग हमें कितनी गिवन है, 200 वोल्ट, क्योंकि जो ये वोल्ट मीटर है ये कितना मेजर करता है, 0 to 200, तो फुल स्केल रीडिंग कितनी मेजर कर सकता है, 200 वोल्ट, और हमने जो वैल्यू मेजर की है वो कितनी है, 50 वोल्ट, तो रीडिंग कितनी है, 50 वोल्ट। फॉर्मूला क्या था यानी कि लिमिटिंग एरर का, गारंटीड एक्यूरेसी एरर मल्टीप्लाइड बाय फुल स्केल रीडिंग डिवाइड बाय रीडिंग। तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर कितनी गिवन है, 1, फुल स्केल रीडिंग गिवन है 200, और रीडिंग गिवन है 50। तो आप इसे जब सोल्व करोगे तो फाइनली यू विल गेट 4%। ओके, सो दिस 4% इज द लिमिटिंग एरर इन द रीडिंग। सो इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट यू शुड कीप इन माइंड दैट लिमिटिंग एरर इज द मैक्सिमम एरर इन द रीडिंग, एंड गारंटीड एक्यूरेसी एरर इज द मैक्सिमम एरर इन द फुल स्केल रीडिंग। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक यू मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर एनालिसिस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स, योर शेयरिंग विल हेल्प देम अलॉट। And subscribe my YouTube channel and click on bell icon button, and also click on send me all notification for this channel. And guys, don't forget to follow me on Unacademy, and the link of my profile and this lecture is given in the description, where I upload video before YouTube, you can watch there also. Thank you for watching.